इंटरव्यू मेरा यूपीएससी की पूरी जर्नी में सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस कोई था, दैट वाज माय इंटरव्यू. अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर्ड वेरी वेल इन इंटरव्यू. तो इंटरव्यू फिर द डे ऑफ इंटरव्यू यू आर वेरी नर्वस. जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं इतना सीरियस माहौल होता है, आप बाकी एस्पिरेंट्स को देखते हैं एंड देन देयर इज अ लाइन जिससे आपको अंदर पर्टिकुलर टाइम पे वो लोग डोर ओपन करेंगे, आप अंदर जाएंगे, आपको अपने फोन्स दे देने हैं साइड पे, सम ऑन वो लोग दे पुट और आपको कुछ टोकन देते हैं. उसके बाद दे टेक यू इनसाइड, देयर इज अ राउंड टेबल जहाँ पर 5-6 कैंडिडेट्स बैठते हैं और वो 5-6 कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर बोर्ड के पास जाते हैं बिकॉज देयर आर 6-7. तो आई ऑल्सो सैट ऑन वन ऑफ दोज राउंड टेबल्स. और फिर आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो वहाँ पर चलो आप दूसरे एस्पिरेंट से बात करते हैं. तो आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि मेरे साथ जो दूसरे थे मेरे टेबल पर बैठे हुए थे, तो देयर वाज वन कैंडिडेट, ही वाज अ वेरी जॉली नेचर. तो उन्होंने बहुत हंसाया वगैरह, उस टाइम लाइटर कर दिया बिल्कुल मूड को. तो बहुत अच्छे से वहाँ पर टाइम निकलता है. फिर आपको बताया जाता है आपकी टर्न आ गई है. तो देन देयर इज समवन जो आपको स्कॉर्ट करता है पूरा इंटरव्यू रूम तक और इंटरव्यू रूम के बाहर बिठा देते हैं आपको अकेले. That is the deadly part. और आपको नहीं समझ आ रही होती कि अंदर जाकर क्या होगा बिकॉज देन देयर इज नो वन जिसे आप बात भी कर सको या किसी को देख सको. और आपको बस दूसरे रूम से निकलता कोई ऐसा दिख रहा है कैंडिडेट, किसी का मूड अच्छा दिख रहा है, किसी का ऐसा दिख रहा है, इसके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा. सो वो कोई 10-12 मिनट मुझे लगता है वहाँ पर बैठना पड़ता है, 15 मिनट्स में भी. मैं लिखा हुआ कुछ चंद शायद बोलना चाहूँगी कि तेरी रहमत से बेजार नहीं है अब तो अपने भी गम खात नहीं है. तू अगर बख्श दे तो क्या बात मौला, वरना जीने के आसार नहीं है. और फिक्रे कजा तो नहीं लेकिन ये खौफ नहीं जाता, तेरे रूबरू होने को अभी हम तैयार नहीं हैं.